विदेशों से मुजफ्फरपुर आए 450 में से 150 लोग ट्रेसलेस। यूएई, मलेशिया, यूएस समेत अन्य देश से आए लोग, मोबाइल पर भी नहीं हो रहा संपर्क। अब मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ओटी बनने का रास्ता साफ, जगह चयन की कवायद शुरू, 2010 से बंद है ऑपरेशन, 100% उपस्थिति रहेगी। कोविड के आंकड़ों पर शिक्षा विभाग की नजर, स्थिति नाजुक होगी तो सीएम जी लेगा फैसला। संबंध को लेकर हत्या, समधी और समदर में था नाजायज संबंध, रिश्तेदार ने ही मार डाला। वैशाली में पिकअप बाइक की टक्कर में एक की मौत, बाइक सवार की मौके पर ही गई जान, पीछे बैठा व्यक्ति हुआ घायल। अवध की कमान संभालेगी डॉक्टर ममता रानी, भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, यूपी चुनाव में मिली अहम जिम्मेवारी। देने पर विवाहिता की हत्या, परिजन बोले ससुराल वालों ने खाने में जहर देकर ले ली जान, लाश भी छोड़कर भागे। 14 दिसंबर तक पटना आ सकते हैं तेजस्वी राजेश्वरी, रिसेप्शन को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं, परिवार को लालू की नई बहू का इंतजार। नवादा में बस पलटी, 12 लोग घायल, राज्य से आ रही थी बस, हाई स्पीड के कारण हुआ हादसा, घायलों में 10 महिला। रंजिश में मारपीट, 2 घायल, मुखिया प्रत्याशी के पति द्वारा पैसे बांटने को लेकर शुरू हुआ विवाद, गोलीबारी की सूचना पर कैंप कर रही पुलिस। थाने से 50 मीटर दूर 50 लाख की लूट, सीवान में ज्वेलरी शॉप से बोरे में भरकर आभूषण ले गए लुटेरे, पुलिस बोली चलो आते हैं। नीलगाय की दहशत में बढ़ी खेती की लागत, फसल बचाने प्रति एकड़ 50 से 60 हजार खर्च कर रहे किसान। बिहार आने वाली ट्रेनों में अभी से वेटिंग, उत्तर बिहार आने वाले यात्री तेजी से काट रहे टिकट, अप व डाउन दोनों में मारामारी। सड़क हादसे में पति की मौत, बिलखती रही प्रेग्नेंट पत्नी, सीतामढ़ी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से गई थी जान, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस जीप, 3 पुलिसकर्मी घायल, आड़ा में गश्ती पर निकले थे पुलिसकर्मी, हाईवे पर हुआ हादसा, एएसआई समेत 3 घायल।